तो मुझे ये कहने में कोई ताबू नहीं कि उनको आजाद कराने में हमारे गैर मुस्लिम साहिबान के साथ गैर मुस्लिम एक हमारे वापस हैं। और मैं आखिर में फिर मराठी ठाकुर कराने की हमदर्द पेश करता हूँ, उनसे दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उनको अपनी जवाब बहुत है। मौलाई साहब की सबसे ऊपर अगर मैं बोलूँ तो जो मेरा बड़ा ताल्लुक रहा है मौलाई साहब से और उनकी खिदमत करने के मवा इस्लाम में नहीं किसी भी धर्म में ऐसे आदमी को जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। मैं एक बार फिर पूरे होश आवाज से यह बात कहना चाहता हूं कि जो भी व्यक्ति उसका सिर कलम करके लागा उस शैतान का जिसने कुरान मजीद की 26 आयतों के सामने 26 आयतों के बारे में रिट दायर करी है, मैं उसको 11 लाख रुपए। मीरुल हसन जाफरी एडवोकेट है, पूर्व अध्यक्ष मुरादाबाद बार एसोसिएशन मुरादाबाद। वसीम रिजवी एक शैतान है और उसने कुरान मजीद की 26 आयतों के बारे में जो सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर करी है, मैं पुरजोर तरीके से उसकी मजम्मत करता हूं और मंच से ये ऐलान करता हूं कि जो भी शैतान का सिर कलम करके लागा उसको 11 लाख रुपए इनाम दिया जाएगा। मुरादाबाद बार एसोसिएशन से चंदा करूँगा, पूरा नहीं होगा तो अपने लड़के को बेच के वो इनाम जो भी सिर कलम करके लागा उसको दूंगा। कुरान मजीद के बारे में जेर जबर के भी फ़र्क करने वाला आदमी या सोचने वाला आदमी के उसमें कोई आयत सही नहीं है, काफिर है और उसका कत्ल करना वाजिब है। अगर इस्लामी हुकूमत होती तो अब तक जनता उसको पत्थरों से मार देती। हम खुद सोच समझ के अपने पूरे होश व हवास से बयान दे रहे हैं, किसी के इशारे पे कोई बयान नहीं दिया जाता। वसीम रिजवी से पूछें ये किसके बारे में किसके उससे दिया उसने, हमसे क्या मतलब उसका।